हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं कुछ अलग लग रही हूँ क्योंकि मैंने अलग सा लिप शेड अप्लाई किया है। तो ये लिप शेड आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये मेरे पे कैसा लग रहा है। एनीवेज गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पे ही ब्राइट स्किन कैसे बना सकते हैं। तो ये रेमेडी में आपको एक भी रुपये खर्च नहीं करना है और ये रेमेडी आपको 1 मंथ तक फॉलो करनी है और इसे आपको वीक में 3 बार फॉलो करनी है। तो इस वीडियो में मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखें क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर क्लिक करिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए नीम के पत्ते। नीम के पत्ते आपके घर के आसपास कहीं भी मिल जाएंगे। तो इसे मैंने सुखा लिए हैं, तो सूख जाने के बाद ये कुछ ऐसे दिखते हैं। तो हमें थोड़े से नीम के पत्ते लेने हैं। उसके बाद हमें लेना है एलोवेरा। एलोवेरा भी आपके घर के आसपास कहीं भी मिल जाएगा, तो हमें थोड़ा सा एलोवेरा लेना है। आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर, लेकिन फ्रेश एलोवेरा हमारे स्किन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो हमें ये 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट हम नीम के पत्ते को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा पाउडर रेडी हो जाएगा और इस पाउडर को हम छलनी की हेल्प से फिल्टर कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा स्मूथ सा पाउडर रेडी हो चुका है। ये 1 वीक के लिए मैंने स्टोर किया है, आप चाहे तो 1 मंथ के लिए भी इसे स्टोर कर सकते हैं। और जो एलो का लीफ था इसे भी मैंने छिलके के साथ ही ग्राइंड कर लिया है क्योंकि एलोवेरा का जो छिलका होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो अब हम हमारी पेस्ट रेडी करेंगे। तो हम 1 चम्मच नीम का पाउडर ले लेंगे, इसमें 2 चम्मच हम एलोवेरा का जूस मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी जो पेस्ट है वो ज़्यादा स्मूद ना बने तो आप 1 या 2 चम्मच और भी एलोवेरा का जूस मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा फेस पैक रेडी हो चुका है। अब हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे। तो फेस पे अप्लाई करने से पहले हम पहले हमारे स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं टोनर यूज़ करूँगी, आप चाहे तो रोज़ वाटर से भी आपका फेस क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद हम हमारा फेस पैक अप्लाई करेंगे। इसे हमें फेस पे मसाज करते हुए अप्लाई करना है। तो इसमें हमने नीम यूज़ किया है, तो नीम हमारे स्किन को ब्राइट बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और हमारी स्किन को हेल्दी भी रखता है और ये हमारी स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। अगर आपको फेस पे डार्क स्पॉट्स हो तो उसे भी वो दूर करेगा और पिम्पल की प्रॉब्लम्स को भी हमेशा के लिए ये दूर कर देता है। और हाँ, इतना ही नहीं, ये हमारे हेयर के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको बालों में इन्फेक्शन हो या फिर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, तो उसे भी ये हमेशा के लिए दूर कर देता है। हमने इसमें एलोवेरा भी यूज़ किया है, तो एलोवेरा के फ़ायदे हम सबको पता है। एलोवेरा हमारे स्किन को हेल्दी रखता है, हाइड्रेट भी रखता है और हमारे स्किन को ब्राइट बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। एलोवेरा हमारे पिंपल्स को दूर करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और हमारे फेस पे इन्फेक्शन और एलर्जी को भी ये दूर करता है। और एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र भी है। तो इसे मैंने फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लिया है। इसे मैं 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लूंगी। तो मुझे मेरी स्किन पहले से थोड़ी ज़्यादा ब्राइट लग रही है और मेरे डार्क सर्कल भी मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। तो इसके एक ही यूज़ में मुझे बहुत ही अच्छा डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे मेरे ज़्यादा डार्क सर्कल है इसलिए मेरी स्किन ज़्यादा क्लीन नहीं लग रही है। अगर आपको कम डार्क सर्कल होगे तो एक ही यूज़ में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।